यहाँ पर एक चीज और देखने की जरूरत है जिसको हम कहते हैं शोर लाइन क्या होती है? शोर लाइन क्या होती है? इट इज एन एक्चुअल लैंड वार्ड लिमिट ऑफ, इट इज एक्चुअल लैंड वार्ड लिमिट ऑफ सी वेव्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि शोर लाइन क्या होती है, समुद्र की मैक्सिमम लिमिट जो लैंड की तरफ हो सकती है, उस लैंड की लिमिट को, उस समुद्र की लिमिट को, ठीक है, हम शोर लाइन कहते हैं। यहां पर अब हम आगे देखेंगे कि समुद्र का जो कोस्ट होता है, सी कोस्ट कहेंगे जिसको हम सी कोस्ट, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए, चलो देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार से एक डायग्राम बनाएंगे हम, जो ए इस तरह से, ए इस तरह से, और फिर लास्ट में इस प्रकार से। एक यहाँ पर इस प्रकार से लगा देंगे लाइन, एक लाइन यहाँ पर लगा देते हैं हम। तो यहाँ पर हम एक दो और तीन इस प्रकार से लिख लेते हैं, एक दो और तीन, ठीक है। और ये जो हमारा है, ये है लो टाइड वाटर, ये है हाई टाइड वाटर। तो बात समझ में आई कि ये लो टाइड वाटर है, ये हाई टाइड वाटर है, और ये द लैंड बियॉन्ड हाई टाइड वाटर। तो यहाँ पर एक दो और तीन जो हमने लिखा है, यहाँ पर देखेंगे पहला जो एक है, इसका मतलब है बैक शोर, दो का मतलब है फोर शोर, और तीन का मतलब है ऑफ शोर। तो यहां पर आपने देखा कि समुद्र का जो तट होता है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, कि बैक शोर, फोर शोर एंड ऑफ शोर। तो यहां पर देखने की बात यह है कि बैक शोर क्या चीज होती है। बैक शोर हमारा बीच जोन होता है, फोर शोर जिसको हमने कहा, यह होता है इज ए लैंड बिटवीन हाई टाइड वाटर एंड लो टाइड वाटर, और ये हमारा एक्चुअल सी या ओशियन होता है। ऑफशोर हमारा एक्चुअल में जो सी और ओशियन होता है। इसके साथ साथ हम इससे आगे की लिमिट को भी हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं ऑफशोर के बाद किस प्रकार से हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, और किस प्रकार से आगे की टोपोग्राफी होती है समुद्र के अंदर, उसके बॉटम टोपोग्राफी को भी हम यहीं पर एक बार देखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं हम एक और डायग्राम बनाकर देखते हैं।
यदि हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि ये हमारा लैंड है, ये हमारा लैंड है जो इसकी मैक्सिमम हाइट है, दिखा रहा है यहाँ पर मैक्सिमम हाइट, और ये हमारा समुद्र है, पूरे का पूरा समुद्र है, ठीक है, सी है, ये इसकी मैक्सिमम डेप्थ है। ये इसकी मैक्सिमम डेप्थ, उसकी गहराई को दिखा रहा है। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है कि जहाँ पर आपने इस डायग्राम के अंदर देखा कि हमारा कोस्ट का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, यहाँ लो टाइड वाटर के बाद यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है लो टाइड वाटर के बाद क्या होता है। तो जो ये वाला जो पार्ट है, जो सबसे पहला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। और जो तीसरा पार्ट हमारा आता है उसको हम बोलते हैं डीप सी प्लेन। ये जो है इसको हम बोलेंगे डीप सी प्लेन। तो यहाँ पर मुख्य रूप से तीन पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, और लास्ट जो पार्ट है ये होती है ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है जो गर्त, जो गहराई, जो मैक्सिमम गहराई है, उसको यहाँ पर हमने इंडिकेट किया है। तो ये चार मुख्य रूप से पार्ट आपको देखने को मिलते हैं समुद्र के बॉटम सरफेस के ऊपर। पहला जो पार्ट होता है वो होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा है कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा है डीप सी प्लेन, और चौथा है आपका ट्रेंच। चलिए आगे देखते हैं।